राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की ओर से प्रेस क्लब में पत्र परिषद ली गई। पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन रेवतकर ने कहा कि राज्य में महिला ही नहीं बल्कि पुलिस भी असुरक्षित है। भाजपा नेता मुन्ना यादव ने धंतोली थाने में हंगामा खड़ा कर अधिकारियों कर्मचारी से धक्का मुक्की की। इस मामले में मुन्ना यादव और उनकी दोनों बेटी पर मामला भी दर्ज किया गया है। इन पर मामले दर्ज होने के बाद कैसे बच निकलते हैं, रेवतकर ने मुन्ना यादव को तड़ीपार करने की मांग की है। इस मामले के जरिए उन्होंने सरकार को भी घेरने का प्रयास किया। मुन्ना यादव ने नशाखोरी के विरुद्ध में पत्र परिषद भी ली थी। इतनी लाजिरवाणी गोष्ट है। प्रवीण दटके ह्या पूर्वी त्यांनी गणेशपेठला असंच केलं होतं, एका महिलेला मारहाण केली होती त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी, आणि त्याच्या बचावासाठी प्रवीण दटके गणेशपेठ पोलीस स्टेशनला येऊन तिथे पण त्यांनी पोलिसांना अबे तुबे असं करून दमदाटी केली होती। तसाच प्रकार आता धंतोली पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला। पोलिसांनी कुठेतरी फक्त शासकीय कामात अडथळ्याचाच गुन्हा दाखल केला। माझी मागणी आहे की जे गँगवॉर झालं त्याच्यावर पण गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, कारण जी यादी मी तुम्हाला दिलेली आहे मला वाटते त्याच्यामध्ये 2024 गुन्ह्याची नोंद नसेल। म्हणजे तुम्ही विचार करा की हा क्रिमिनल माणूस, आणि माजी गृहमंत्र्यांबद्दल बोलतो तर त्यांनी स्वतःची लायकी पाहायला पाहिजे, आणि फडणवीसांनी अशा लोकांची हकालपट्टी करायला पाहिजे, यांना तडीपार करायला पाहिजे, आणि जर ते असं करू शकले नाही तर त्यांनी स्वतःहून आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे, अशी या तुमच्या माध्यमातून मी इथे मागणी करते। उनका कहना है कि इसके पहले देवगिरी बंगले पर भाजपा पदाधिकारी ने पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी से धक्का मुक्की की थी। उन्होंने गृह मंत्री से राजीनामा देने की मांग करते हुए कहा कि उनके कुछ विश्वास पात्र लोग जब भी कोई घटना उनकी किसी अपने से जुड़ी होती है तब पुलिस पर दबाव तंत्र का उपयोग करने का भी आरोप पत्र परिषद में लगा है। चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट जनता के सामने लाने की मांग भी की गयी। की जे लोकांनी राजकारण केलं, फोडाफोडीचं राजकारण केलं, चुकीचे धोरण केले अशा लोकांची आत्ता बिल्कुल चौकशी व्हायला पाहिजे, यांची काही मुरवत करायची गरज नाही आहे। चौकशी करायची आणि जो दोषी असेल खरंच त्यांना शिक्षा मिळायला पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही स्वतः प्रयत्न करणार। पत्र परिषद में प्रदेश राका युवा कार्याध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, राका उत्तर नागपुर अध्यक्ष महेंद्र भांगे, दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष राजू चौहान, शहर महासचिव अमित श्रीवास्तव, संजय आखरे, महेश अंबरवड़े आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बहुट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टेक्ट नंबर 7276066999 and 7276055999। Central Provincial School and Junior College।